मार्गदर्शक और आशीर्वाद प्रदान करने वाले मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नरेंद्र जी भाई साहब और हमारे झालावाड़ महासभा के प्रथम व्यक्ति हीरालाल जी धाकड़ जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना बिजू है कद आसमान का। कुछ इन पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले उन शख्स को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों के साथ समापन किया अपनी राज्य की सेवा का। क्योंकि हम जिस उद्देश्य से कार्य करते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद जिस मंजिल को पाते हैं, वो मंजिल अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। और हमारे धाकड़ समाज के वो विरोधा व्यक्तित्व पेंशनर समाज के हमारे कर्मचारी साथी हैं, मैं उन्हें सबसे पहले आमंत्रित करूंगा। श्रीमान प्रदीप जी चौधरी मोड़क कंपाउंडर साहब जो पेंशन प्राप्त कर चुके हैं, आप अगर हमारे बीच में आए हैं तो पधारे। प्रदीप जी चौधरी आए हैं क्या? श्री घनश्याम जी कंपाउंडर साहब खिराबाद आपका आवेदन। श्रीमान चुन्नीलाल जी नागर साहब कांदलगेड़ी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। चुन्नीलाल जी धाकड़ पेंशनर अध्यापक कांदलगेड़ी, ये भी है। भेरूलाल जी अध्यापक साहब गार्डिया कुक्षा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। भेरूलाल जी अध्यापक साहब गार्डिया कुक्षा जो हमारे, मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप इन्हें शॉल श्रीफल मोमेंटो आदरणीय गोविंद जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय तिलक लगाएं, शॉल प्रदान करें, श्रीफल भेंट करें, मोमेंटो देकर इनका सम्मान करें। ये समाज के वो विरोधा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन में बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए पेंशन प्राप्त किए। इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं राम कुमार हैंडपंप मिस्त्री गुंडी। राम कुमार जी हैंडपंप मिस्त्री साहब गुंडी यदि हमारे बीच आए हो तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। समाज के मन से आपका सम्मान, चूंकि आपने अध्यापकीय जीवन पूरा किया, उसके बाद पूरी राजकीय सेवाएं पूरी की, इसके बाद अब समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आप अब समाज की धारा से जुड़े, समाज सेवा के कार्य करके समाज में आप अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर कार्य करते रहे, ऐसी हमारी आपसे आशा और विश्वास है। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करूंगा उन बालक और बालिकाओं को जिन्होंने राज की सेवा को अब शुभारंभ किया है सत्र के बीच में। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुकेश कुमार धाकड़ सालक राम जी धाकड़ नूरपुरा चित्रकेड़ा को, जो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में हमारे बीच में सेवाएं प्रारंभ करके राज की सेवाओं से जुड़े हैं। जोरदार तालियां मुकेश कुमार धाकड़ के लिए। मुख्य अतिथि महोदय माननीय गोविंद जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय और चार पांच फूलचंद जी भाई साहब,
बहुत अच्छी तालियां नहीं बजी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए बालिकाओं के सुंदर नृत्य स्वागत है। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, और जो माता बहने आ रही है और जिनको परेशानी आ रही है बैठने में, उनको ऊपर बैठने के लिए कह दें। तो सुरेश जी भाई साहब इनको इधर बैठो और इधर इनको भी इधर बैठ दीजिए, और जिनको दिक्कत आ रही है ऊपर नीचे बैठने में, उनको ऊपर बैठने के लिए। और हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा सिंह बता रहे हैं, आप बता रहे हैं मंच की शोभा बढ़ाए, और मैं आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। पृथ्वी सिंह जी और पृथ्वी सिंह जी रुड़लाव जल्दी से आ जाए। पृथ्वी सिंह जी जिला अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध सिंह जी रुड़लाव पूर्व तहसील अध्यक्ष, हमारी उड़ान और वो थे जो आसमान से कुछ इन चौधरियों के साथ हमारा दल सभी आगाज करने जा रहे हैं बेटे का उस समारोह का जिसके लिए बहुत हुए हैं धाकर समान प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे जाने माने परिचित समाज सेवी और बहुत ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साक्षी नागर दुर्गा शंकर जी नागर छारावाड़ को चाहिए पद के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। साक्षी नागर दुर्गा शंकर जी नागर छारावाड़ साक्षी जयन जूनियर इंजीनियर आजम पहले तो कोई बात नहीं पापा है आओ बता रहा आप ही आजम आजा ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। शुभम नागर दुर्गा शंकर जी नागर छालावाड़ पुनः बैंक ऑफिसर जोरदार तालियां दोनों भाई बहन कॉन्ग्रेचुलेशन दुर्गा शंकर जी। ये बहुत ही गौरव की बात होती है किसी माता पिता ने अगर अपने बेटे को पढ़ाया और पढ़ने के बाद एक साथ अगर नौकरी लगते हैं तो ये गौरवशाली क्षण होते हैं। दुर्गा शंकर जी को दागर समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ लव कुमार नागर शिव सिंह नागर मिश्रोली रीट लेवल फर्स्ट अध्यापक के लिए आपकी बूंदी में नियुक्ति हुई है। लव कुमार शिव सिंह नागर मिश्रोली अध्यापक लेवल वन जोरदार तालियां लव कुमार के लिए। कविता नागर राम सिंह जी नागर मिश्रोली निवासी मांडा छपरा पाटन देवी फर्स्ट अध्यापिका पद के लिए नियुक्ति हुई है। कविता नागर मांडा शाहपुरा मिश्रोली राम सिंह जी नागर की बालिका और किस्मत से मेरी भतीजी जोरदार तालियां कविता कुमारी के लिए। कोई है महिमा नागर तूफान सिंह जी नागर यशवंतपुरा सुनेर अध्यापिका तृतीय श्रेणी ये हमारे महामंत्री जी तूफान जी की पुत्री है और तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर इसका चयन हुआ है। जोरदार तालियां बालिका के लिए। महिमा आपके समक्ष
पुरस्कार ले रही है हमारे आखिर पार्टी सिद्धाकर महासभा महामंत्री जी की बेटी है और ये पापा को भी बुला रही है। यह सुलक्षण उन माता पिताओं के लिए होते हैं जब अपने पुत्र जोरदार तालियां बाजरा के लिए। और इस महिमा के लिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये महिमा ही अपने शब्दों में अपनी बात को इस मंच के माध्यम से कहेगी, क्योंकि जब इसको पुरस्कार मिलना था तो इसने पहले कह दिया कि सर मेरे को है ना 2 मिनट बोलने का मौका देना। मैं मेरे समाज की बहनों और सभी भाइयों के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसको गले में माला के और 2 शब्द महिमा की तरफ से समस्त बालिकाएं माता बहने और हमारे स्वजाति बंधुओं के लिए। माँ शारदे को नमन करते हुए सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित यहाँ मंचासीन अतिथियों और पधारे हुए सभी स्वजातीय बंधुओं को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक अभिनंदन इसलिए करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैंने अपने विद्यालय से 2 दिन की छुट्टियां भी ली है और स्पेशली छुट्टियां इसीलिए ली है कि मैं यहाँ आ सकूँ। सन 2013 की बात है जब इस धाकर छात्रावास में यही प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ था और मैं भी इन बालिकाओं की तरह इसी तरह वहां बैठी हुई थी और मंच पर मेरी बुआ को आमंत्रित किया गया था तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि वो मंच पे जा रही है। इतने मंचासीन अतिथि, इतने बड़े बड़े लोग जिनको बस हम फोटो में देख पाते हूँ मैं, तो वो लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। तो उस समय में 7वीं 8वीं पढ़ती थी और उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना अपन भी कुछ ऐसा करें कि मंच पे हमारा नाम बोला जाए और हम इतने सब भीड़ में उठ के मंच पे आ जाएं। उसके बाद एक जुनून मन में था कि कुछ तो करें, लेकिन वो कहते हैं ना बड़े होते जाते हैं सपने भूलते जाते हैं। फिर मंच से ही इसी तरह समाज में एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि अध्यापिका बनना है, पर अध्यापिका बनना मेरा सपना नहीं था, ये सपना मेरे पापा का सपना था। और लड़कियों विशेषकर तुम्हें कहना चाहती हूँ कि आज लड़कियों की संख्या इतनी कम है जबकि इतने सारे पुरुष बैठे हुए मंच पर केवल एक, जिन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ उस समय उपस्थित कोई भी ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थी और मुझ जैसी लड़की को बुलाया गया तो क्यों नहीं थी। यहाँ हमें अपना वर्चस्व बढ़ाना पड़ेगा और वर्चस्व ऐसे नहीं बढ़ता है, हमें आगे आना पड़ेगा। उस समय जब मेरे मन में कोई ख्याल नहीं था कि मुझे अध्यापिका बनना है, तब एक बात मेरे सामने आई कि मास्टर का छोरा छोरी मास्टर नहीं बने, साफ बात। उस वो बात मेरे इतनी चुभ गई कि 2 दिन तक मैंने भोजन भी नहीं किया और मेरे पापा ने तो मेरे को एसटीसी में सेलेक्ट होते ही मास्टर घोषित कर दिया था जबकि मैंने कुछ भी नहीं करा था, मेरा नाम भी घर पे मास्टर ही पड़ गया। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा ना हो जाए कि ये नाम तो दे दिया घर वालों ने लेकिन ये साकार होने से पीछे रह जाए, इसलिए मैंने उसी हद से मेहनत करी कि कम से कम इस नाम को मैं साकार कर दूं। इसलिए यहाँ पर सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आज जो तुम सब मुझे सुन रही हो, आज मेरे बगल में बैठी लड़की को बहुत उत्सुकता थी कि दीदी आपको भी नहीं बुला रहे, सबको बुला रहे, तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ आओ। ये हमारे जो हमारे आदरणीय मंचासीन अतिथि और इतने कार्यकर्ता हैं जो कल से नहीं बहुत पहले से लगे हुए इस कार्यक्रम को बढ़ने के लिए, तो उनकी मेहनत को हमें सफल बनाना है। यहाँ क्यों बुलाया जाता है, ये क्यों रखा है, उल्टा इन्होंने पैसे खर्च कर रहे हैं यहाँ और 2 दिन से पागल लग रहे हैं ये सब करने में, तो यहाँ इसलिए बुला रहे हैं इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के पीछे इनका ये मकसद है कि इनके हौसले को बढ़ाया जाए और समाज में धीरे धीरे इतनी जागरूकता लाई जाए कि बच्चे और बढ़े और बढ़े। और यहाँ तुम्हारे प्रतिभाओं को इसलिए बुलाया गया है कि तुम्हारे अंदर के जुनून को देखो, उसे समझो कि तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसलिए यहाँ से अपने लक्ष्य को अपने मन में लक्ष्य बनाओ, ठान लो कि मुझे करना है तो करना ही है। और लड़कियां विशेषकर ध्यान दें कि हमें अगली बार अपनी संख्या यहाँ बढ़ानी है और हर माँ बाप से गुजारिश है कि माँ बाप सबको पढ़ाते हैं, मेरे पापा ने मम्मी ने मुझे पढ़ाया, घर वालों ने सबने सपोर्ट किया, सबको करते हैं। लड़कियां विशेषकर
अपने मम्मी पापा का भरोसा जीते, उन्हें ये एहसास दिलाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। वो आपको पढ़ाई से कोई मना नहीं करेंगे, सब करेंगे, सब पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय सर बेलाजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2022 रामकुंड में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, वहां पर मैं प्रत्यक्ष रूप से उस कार्यक्रम में शरीक हुई थी और मैंने वो कार्यक्रम सुबह से अटेंड किया शाम तक मेरे पापा के साथ। उस कार्यक्रम में मेरी एक गुजारिश थी कि सर, मैंने वहां एक सपना देखा कि सर मुझे बुलाए खुद मंच से कि मेहमान अगर आए और मंच पर बोले। आज आपने मेरा सपना साकार किया है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मतलब ये मेरी मन है कि आगे मैं भी इसी तरह समाज में अपना योगदान दूं, जैसे तरीके से मेरे पापा, मेरे परिवारजन, मेरे बड़े पापा, दादा दादी जिन्होंने जो सहयोग दिया, उसी तरह मैं भी इसी के साथ आगे बढ़ूं और इसी तरह कार्यक्रम चलते रहे, समाज उन्नति प्रगति करे। और आदरणीय मंच से मेरी एक गुजारिश है कि अभी मैं मेवाड़ की तरह पर कार्यरत हूँ, आपका आशीर्वाद रात में बहुत जल्द चला हरती क्षेत्र में आ जाऊँ और इसी तरह अपना 100% मतलब देती रहूँ और समाज में अपना सहयोग करती रहूँ। और मुझे बोलने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। कोई बात नहीं बेटा, चित्तौड़ में भी जिला प्रमुख साहब आ रहे हैं, चिंता मत कर, अभी जिला प्रमुख साहब को यहीं पकड़ के अपन जो चाहेंगे वो अपन उनसे करवा लेंगे। बहुत 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 धन्यवाद महिमा, इतने अच्छे मन से अगर कोई संकल्प करता है तो निश्चित रूप से महिमा का जो संकल्प की महिमा रही, ये महिमा बढ़ती जाती है। और बालिका ने चाहे वो छोटे मन से चाहे बड़े मन से किसी भी ढंग से अगर संकल्प कर लिया तो उसका फल मिलता है, ये आपके सामने बालिका ने बता ही दिया। इसके बाद बालिका ने जो बहुत अच्छी बात आप सबके सामने कही जो अपनी बहनों के लिए थी, वो है कि माता पिता का मन जीतकर, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर ये प्रतिभा सम्मान नहीं होता तो इतनी बालिकाएं इतनी माताएं बेबियां नहीं होती, ये आप भी जानते हैं और हम भी। इसलिए इस बालिका की बात पर ध्यान रखिए, बालिकाएं मन जीते माता पिता का और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आमंत्रित करता हूं मुकेश कुमार मालव राम कल्याण जी तारज को, जो AES सहायक अभियंता के लिए नियुक्त हुए हैं, मुकेश मालव तारज। मैं आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब से एक निवेदन किया था बालिका ने, चूंकि आप मोबाइल पे थे इसलिए हो सकता है आपके दिमाग में सुन लिया, जब तो छोड़ना तालियां इस बात के लिए, क्योंकि उधर से सुरेश जी आ रहे हैं, इधर से नरेंद्र भाई साहब नरेंद्र जी हैं, महिमा की समस्या खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ संगीता नागर रामचंद्र जी नागर सांकली खेड़ा को फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, हमारी जमात में फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए भाई संगीता वेलकम। और अब ये समझ में आ रहा है कि संगीता नागर सांकली खेड़ा से है और सांकली खेड़ा से संगीता नागर वो शख्सियत है जिनके श्रीमान डॉक्टर आर्यन समाज में मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये सारे जो लाइव कार्यक्रम चलते हैं ये आर्यन की ही बदौलत होती है। मैं आर्यन को भी चाहूंगा कि आप भी इसके एक हिस्सेदार बने। संगीता नागर फर्स्ट ग्रेड मध्य प्रदेश में आपका चयन हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। आर्यन भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद की बात है। समाज में चाहे समाज के लिए हो चाहे किसी भी रूप में अगर हम सच्ची सेवा देते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें प्रतिफल देता है, उसी का परिणाम आपके समक्ष है। टीना नागर कारूलाल जी नागर गुरुदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ झालावाड़ रीट लेवल फर्स्ट अध्यापिका के लिए, टीना नागर कारूलाल जी नागर गुरुदी। भाई तालियां बनती है। देखिए एक घर में अगर दोनों कर्मचारी हो, पर ये दुखद बात है कि मध्य प्रदेश में नहीं, कि राजस्थान में है। अब तो आगे हमारे मंच का काम है कि हम इनको क्या सुविधा दे पाए।
क्योंकि ये समाज में भी बहुत सेवाएं देते हैं और आपके समक्ष इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूँ इनके बारे में। इन्होंने बहुत बार मुझे ये कहा कि आप जाइए कार्यक्रम में, लगातार जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उस दिन जाऊंगी जिस दिन मुझे निमंत्रण आया। तो मुझे लगता है कि आज का दिन वो इनके लिए इनके सक्सेस है, इन्होंने उस सक्सेस को पाया है। मैं चाहूंगा कि उस मोटिवेशन के लिए तालियों से आवाज निकले आप सभी के हाथों से, जिस सुपरहिंग पावर से इनको ताकत मिली, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सोन नागर नंदराम जी नागर हरिपुरा को, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में आपकी नियुक्ति हुई है, सोनू नागर नंदराम जी नागर हरिपुरा, उसके पापा आए हुए ज्योति बाला नागर, ओम प्रकाश जी नागर हरोतिया, रामगंज मंडी कोटा से, AIIMS नर्सिंग होम।